नमस्कार, मैं साक्षी एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए आज कुछ खास खबर देखते हैं। अंशकारी महिला पुरुषों ने अधिकारियों पर निकाला गुस्सा, पानी देने की मांग। इटिया डोह का पानी जरी तालाब में छोड़कर 2500 हेक्टेयर जमीन को सिंचाई की व्यवस्था करने की मांग को लेकर मंगलवार से लाखांदू तहसील के ग्राम मुरजा में शुरू किया गया। भूख हड़ताल पर अंशकारियों का गुस्सा तब फूटा जब तहसीलदार और जल संचयन के अधिकारी सिर्फ केवल आश्वासन देने की टालमटोल बात कर रहे थे। अंशकारियों ने अधिकारियों को आड़े हाथ लेकर इटिया डोह परियोजना का पानी जरी तालाब में छोड़कर खेती के लिए पानी उपलब्ध कराने की पुरजोर मांग रखी गई। माना बिंदु दहीवले के नेतृत्व में पाइडी जरी के साथ परिसर के महिला पुरुषों ने आमरण अनशन मंगलवार से शुरू किया है। विगत दो दिन तक सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। अनशन के तीसरे दिन लाखनदूर के तहसीलदार महाले और पाट बंधारे विभाग के उप विभागीय अभियंता ईमानदार ने ऑपरेशन मंडप को भट देकर अंशकारियों के साथ चर्चा की। भूख हड़ताल पर बैठे माना बिंदु दहीवले के साथ साथ मंडप में उपस्थित महिला पुरुषों ने दोनों अधिकारियों को जमकर खिंचाई करते हुए पानी की मांग की। बताया गया कि जरी तालाब से 2500 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई कराने हेतु करीब 92 करोड़ रुपयों की योजना विगत 25 वर्ष पहले ही बनाई गई थी, लेकिन सरकार और पुस्जा प्रशासन की लापरवाही से यह योजना अब तक अधर में लटकी है। कई बार मांग की गई लेकिन आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं दिया गया। आइए देखते हैं हमारे भंडारा ब्यूरो हेड निशांत लांजेवार की खास खबर एमएनएस न्यूज के लिए। भंडारा जिले के लाखनदूर तहसील के झरी गांव का ये झरी तालाब है। करीबन 150 एकड़ क्षेत्र के अंदर ये विस्तृत तालाब है, बहुत बड़ा तालाब है। बारिश का पानी यहाँ जमा होता है और इस पानी के वजह से झरी गांव से लेकर करीबन 15 से 20 गांव के 2500 हेक्टेयर से भी ज़्यादा क्षेत्र को सिंचाई की जाती है। लेकिन पिछले 30 से 35 सालों से इस तालाब की दुर्दशा हो रही है। प्रशासन और शासन की तरफ से कोई देखभाल नहीं हो रही है। पानी की यहाँ जो जमा होना चाहिए पानी, वो पानी होता नहीं। बारिश का पानी ऐसा ही निकल जाता है और कई वर्षों से इसकी मांग की गई है, लेकिन यहाँ प्रशासन बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा। आप देख सकते हो बहुत बड़ा तालाब है, बहुत बड़े तालाब के अंदर आज की स्थिति में बारिश खत्म होने को अभी समय बाकी है, लेकिन तालाब के अंदर पानी नहीं है। क्योंकि यहाँ पानी की जमा जो होता है पानी, वो पानी जमा नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पूरी व्यवस्था नहीं है। यहाँ बताया जाता है कि 2500 से ज़्यादा हेक्टेयर को यहाँ की सिंचाई की व्यवस्था होती है, लेकिन कैनल्स बनी है, नहर बनी हुई है खेत को जाने के लिए, पानी के रास्ते मतलब छोटे छोटे नहरें बनी हुई हैं, लेकिन नहर में अभी पानी नहीं है क्योंकि तालाब के अंदर पानी नहीं है। पिछले 2002 में बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ पर किया गया था। यहाँ के सरकार कांग्रेस की थी, हमारे यहाँ के पालक मंत्री अनिस अहमद जी थे। उस पीरियड में उन्होंने इस तालाब की खोलीकरण करना और इटारों का पानी इस तालाब के अंदर लाने की बात कही थी। इसका एस्टिमेट भी मंजूर किया गया था, लेकिन सिर्फ कागजात पर एस्टिमेट बना है, वास्तव में अभी तक इटारों का पानी इस झरी तालाब के अंदर नहीं लाया गया। मसलन यह है कि यहाँ व्यवस्था तो सरकार की मंशा बिल्कुल नहीं है व्यवस्था करने की, किसानों को पानी देने की मंशा बिल्कुल नहीं है। इस वजह से बारिश के पानी के ऊपर निर्भर जो खेती होती है, आखिरी के एक पानी के लिए यहाँ के हजारों किसानों की फसल डूबती है, उनके हाथ में फसल आती नहीं, फसलें बर्बाद हो जाती है। अगर एक आखिरी का पानी मिल जाए तो यहाँ के हजारों किसानों का इसका लाभ मिल सकता है। करीबन 2500 से भी हेक्टेयर क्षेत्र सिंचाई के अंदर आ सकता है, लेकिन ज़रूरत है प्रशासन को और शासन को निर्भरता से, निश्चितता से यहाँ इटाडो का पानी इस तालाब के अंदर लाना और यहाँ पानी लाकर यहाँ का पानी किसानों को पहुँचाना। क्या राज्य की सरकार इटाडो का पानी ईमानदारी के साथ इस तालाब के अंदर लाने वाली है और यहाँ लाकर यहाँ तालाब के नीचे जो 2500 क्षेत्र जो सिंचाई के अंदर आ सकता है उसको पानी की उपलब्धता करवा के दे सकती है? ये सवाल सबसे बड़ा है। यहाँ के किसान अभी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, किसानों के अंदर रोष है, किसानों के अंदर गुस्सा है, लेकिन इस गुस्से को क्या राज्य की सरकार, बीजेपी की सरकार सुन पाएगी और आने वाले अधिवेशन में इसका कुछ लाभ सरकार इन किसानों को देगी क्या? ये भी एक सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। सबसे बड़ी मांग ये है किसानों की कि इटाडो का पानी जल्द से जल्द इस झरी तालाब के अंदर लाना और इस झरी तालाब के माध्यम से 2500 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई के अंदर लाकर यहाँ के किसानों को सुजलाम सुफलाम बनाना, ये प्रमुखता से मांग है। मनीषाद लांजेवार, एमएनएस न्यूज़, भंडारा। तो
तो खबरों में आज के लिए बस इतना ही। MNS न्यूज लाइव देखने के लिए MNS हिंदी ऐप प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।